इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको आपके आईफोन के अंदर इस तरीके से दिखाता है, अगर यहाँ पर अनेबल टू चेक अपडेट एन एरर एक्यूरेट वाइल चेकिंग फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट, तो इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जब सॉफ्टवेयर अपडेट दिखाई दे तो उस सिचुएशन में ये जाता आता रहता है, तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड ओएस अपडेट ऑटोमेटिकली, ये अगर ये दोनों बंद मिले तो उनको एक को स्टार्ट कर दीजिएगा और फिर दूसरा आ जाएगा तो दूसरे को भी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है, फिर यहाँ से बैक ला दीजिएगा और कैपेसिटी स्टोरेज की कम से कम जो है यहाँ पर जब आप जाएंगे तो अगर 100 MB का है तो 1 GB तक खाली रखिएगा। जनरल में जाएंगे अब जैसे ऐप आईफोन स्टोरेज में जाएंगे तो आपको स्टोरेज यहाँ पर खाली मिल जानी चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद यहाँ पर अपने नेटवर्क कनेक्शन को सही तरीके से रखना है, मोबाइल डेटा में जाना है और यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्शन में जाना है और यहाँ पर अपने ऑटोमेटिकली इसको बंद कर देना है और फिर ये सिम दिखाए तो उसको स्टार्ट भी कर देना है। ठीक है, यहाँ पर सिम दिखाएगा कहीं तो उनको स्टार्ट कर देना है, जिस पर भी लगाकर उसको स्टार्ट करना है और इसको स्टार्ट करिएगा। ठीक है, खास करके इसको सिम पर मत लगाइएगा, बस यहाँ पर ये नेटवर्क रिफ्रेश के लिए होता है, ऑटोमेटिकली बेहतर कनेक्शन को पकड़ता है। और यहाँ पर खास करके आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर कोई जो सेटिंग्स है वो बंद ना हो जिससे कि अपडेट होता है, तो जैसे सेटिंग्स यहाँ पर बंद हो गई मोबाइल डेटा से तो वो आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पर रीसेट सेटिस्फैक्सेस पर जो ये यहाँ पर दिखा रहा है इसको क्लिक कर देना और सबसे लास्ट में आप अपने फ़ोन को बंद करिए, अपने आईफोन में से सिम को निकालिए। सिम को निकालने के बाद उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।